हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इसके सोनू टेक वर्ल्ड। देखिए फ्रेंड, आप सभी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी निकल करके सामने आई है। जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 2023 एंड स्पेशल एग्जाम। आप सभी बहुत ही बेसब्री से स्नातक पार्ट वन के मार्कशीट का इंतजार कर रहे थे। अब आपके कॉलेज में आपका मार्कशीट आ चुका है। फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आपको मार्कशीट लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है सही और सटीक जानकारी दी जाती है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले बहुत सारे छात्रों का तो रिजल्ट वेबसाइट पर दिखा दिया, यानी कि उनका मार्कशीट डाउनलोड हो गया, लेकिन बहुत से भी छात्रों का भी मार्कशीट का बेसब्री से इंतजार है। तो आपके कॉलेज में आपका मार्कशीट आ चुका है। फ्रेंड, मार्कशीट लेने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? तो फ्रेंड, आपके पास पूर्ण रूप से एडमिट कार्ड होगा, तो आप सभी एडमिट कार्ड को लेकर जाएं। उसके बाद आपके पास नामांकन रसीद होगा, तो उसको आप सभी लेकर जाएं, तथा आपके पास आईडी कार्ड कॉलेज का जरूर होगा। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट को लेकर के आप अपने कॉलेज में जाकर के अपना मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है। अगर सब चीज़ सही सही है तो कोई बात नहीं है, पार्ट टू की तैयारी में लग जाएं। अगर आपका पार्ट वन के मार्कशीट में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको जल्द से जल्द सुधार करवाएं। अगर आप लोग पार्ट वन में प्रमोटेड हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी स्नातक पार्ट वन सेशन 21-24 पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप सभी उसको भर दें ताकि आपका जल्द से जल्द पार्ट वन क्लियर हो सके। चलिए फ्रेंड, आप सभी जाकर के अपना मार्कशीट को जल्द से जल्द ले लीजिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक और बात आप सभी को बताना चाहूँगा। आप सभी बहुत सारे कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पर ये भी बोला जा सकता है कि अभी आपका मार्कशीट नहीं आया है। तो फ्रेंड, वो कॉलेज पर डिपेंड होता है कि वो आपका मार्कशीट कब देगा। तो आप सभी अपने कॉलेज में जाकर के मालूम कर लें, क्योंकि बहुत से कॉलेज में आपका मार्कशीट वितरित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, मैं कोशिश किया हूँ कि आपको सभी जानकारी एक एक करके दे दूँ और आप सभी को यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।